रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्को फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता, आई वे, ये है रोशनी का कारवां। क्या आप सिर्फ आहट से आने वाले को पहचान सकते हैं? हम पहचान सकते हैं। क्या आप अंधेरे में देख सकते हैं? हम देखते हैं। आंखें आपके पास हैं, पर रोज जीने के लिए जो शक्ति चाहिए वो सबके पास है। दृष्टिहीनों को आपका सहयोग चाहिए, सहानुभूति नहीं। दिस पब्लिक अवेयरनेस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय बॉश एंड लॉम। ये वही वक्त है जिसका हम दोनों, यानी मुझे सलीमा रजा को और मुझे अरशद इकबाल को बेचैनी से इंतजार रहता है। सादे से बात है, ये वो वक्त है जब हम दोनों आप सबसे बहुत सी बातें करते हैं। बातें जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, बातें जो हमें आपके करीब ले जाती हैं, बातें जो हमें आपकी दुश्वारियों का हल ढूंढने में मदद देती हैं, बातें जो हमें और आपको स्नेह के बंधन में जोड़ती हैं। ये बड़ा जरूरी है अरशद कि हम अपने दोस्तों, अपने निकटतम लोगों से अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, अपने लव एंड टेंडरनेस को संगमरमर के डब्बों में सील करके ना रखें। देखिए, दोस्तों के लिए हमारा प्यार अगर उनकी दुनिया से उठ जाने के बाद जुबां पर आया तो क्या फायदा। बात तो आज की है, स्पीकिंग, अप्रूविंग, चीयरिंग वर्ड्स व्हाइल देयर इयर्स कैन हियर देम एंड व्हाइल देयर हार्ट्स कैन बी मेड हैप्पियर बाय देम। ये हमारी कोशिश है कि रोशनी का कारवां हर हफ्ते इसी चाव और उमंग से आपके साथ होता रहे। और ये हमारी आज की पहली मेहमान सुषमा अग्रवाल हैं, जो जॉर्ज एब्राहम से बातें कर रही हैं कि कैसे इन्होंने अपनी डिसेबिलिटी पर फतेह पाई। सुषमा अग्रवाल इज अ लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स एट द रामानुजम इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन मैथमेटिक्स, मद्रास यूनिवर्सिटी। नमस्कार सुषमा जी, आपकी मैथमेटिक्स में कैसे रुचि हुई और ये पीएचडी लेवल तक आपने पढ़ाई कैसे की? बचपन से मुझे मैथ्स सब्जेक्ट अच्छा लगता था। जो भी मैगजीन में जो भी पजल्स रिडल्स आते थे, मैं वर्कआउट करती थी। वो मुझे अच्छा लगता था मैथ्स शुरू से ही, और उसी प्रकार साइंस सब्जेक्ट भी मुझे अच्छे लगते थे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये ज़्यादा पसंद नहीं थे, लैंग्वेजेस भी पसंद थे। मैथ्स में मुझे लाइक ऑलवेज आई वुड लाइक टू कुछ भी उसमें जो पजल्स या रिडल्स जो भी आते थे, मैं हरदम सॉल्व करती थी वो मैगजीन्स के पजल्स। सुषमा जी, आप यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर काफ़ी विजुअल्स हैं, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल होता है, आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ऐसे सिचुएशन में आप अपने स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाती हैं? मैं नवंबर 2000 से मद्रास यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ। शुरू में मैं खुद बोर्ड पर लिखती थी और मेरी असिस्टेंट मुझे हेल्प करती थी, जैसे कभी कुछ ओवरलैप हुए वर्ड्स एक्सप्लेन करना और बोर्ड पे लिखना। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि यदि स्टूडेंट ही आके खुद लिखे बोर्ड पर तो उनको भी एक प्रैक्टिस होंगी और मतलब सबको अच्छी तरह से समझेगा। तो अब क्लास के स्टूडेंट्स वन बाय वन आकर मैं एक्सप्लेन करती हूँ और बोर्ड पे एक स्टूडेंट लिखता है। इस प्रकार स्टूडेंट भी काफ़ी हैप्पी। और करेक्शन वर्क जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं, करेक्शन वर्क्स स्टूडेंट ही खुद अपने आंसर पेपर्स आके पढ़ते हैं, और यदि उनकी कहीं कोई मिस्टेक हुई है तो उसी समय मैं उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ। तो इस प्रकार लाइक स्टूडेंट्स आर क्वाइट फाइन विद मी। आपने कहा कि आपको फिल्मों में दिलचस्पी है, तो आप किस प्रकार के फिल्म्स देखते हैं और कौन कौन से फिल्म आपके फेवरेट हैं? मुझे पुरानी पिक्चर्स देखना पसंद है, जो पुराने जैसे संजीव कुमार की पिक्चर्स, आर्ट मूवीज, पुरानी हीरोइंस जैसे मीना कुमारी, शर्मिला टैगोर, मतलब जिसकी कोई कहानी जिसमें कुछ मॉरल हो और अच्छे डायलॉग्स हो, इस प्रकार की फिल्में मुझे पसंद है। आपका परिवार एक मेडिकल परिवार है, मतलब हर व्यक्ति
कुछ ना कुछ मेडिकल फील्ड में हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, और आप अकेली एक ऐसी हैं घर में जो मैथमेटिक्स लिया है, तो आपको भी शायद कुछ मेडिसिन या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो, ऐसा ऑल्टरनेट मेडिसिन में आपका कोई इंटरेस्ट है? हाँ, मुझे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स में इंटरेस्ट है। मुझे एक्यूप्रेशर की जानकारी है और अभी मैंने रिसेंटली एक्यूप्रेशर में एक कोर्स किया है। एक्यूपंक्चर की भी मतलब जब भी मुझे इस तरह के कोर्स करने को मिलते हैं तो मैं करती हूँ। फ्लावर बैच रेमिडीज़ का भी कोर्स मैंने किया है। तो इस प्रकार के कोर्स जानने से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट होता है। मुझे एलोपैथी से थोड़ा डर लगता है क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। सो ये नॉलेज में मुझसे जो भी कांटेक्ट में आते हैं उनको मैं बताती हूँ इस एक्यूप्रेशर और फ्लावर बैच रेमिडीज़ के बारे में। हाँ, ट्रीट भी करती हूँ और वो भी खुद पढ़ते हैं और मुझसे जानकारी ले लेते हैं कैसे किया जाए इसे। सुषमा जी, आपके इमीडिएट परिवार में आपके पति हैं, आपके बेटी हैं, आपके पति और बेटी क्या करते हैं? मेरे पति IIT मद्रास में मैथ्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। लड़की BA इकोनॉमिक्स कर रही है, फाइनल ईयर में है, और वह भरतनाट्यम में भी इंटरेस्टेड हैं। अपने टीचर के साथ वो जगह जगह जाके प्रोग्राम्स देती हैं। सुषमा जी, आप फिल्मों में इंटरेस्ट रखती हैं, आप एक्यूपंक्चर में इंटरेस्ट रखती हैं, आपकी और हॉबीज कौन से हैं? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करने में बहुत इंटरेस्ट है। पुरानी हिस्टोरिकल नावल पढ़ना पसंद है। नेचुरल प्लेसेस पे घूमने जाना, जैसे हिल स्टेशन, हिमालयस में या नदी किनारे जाना बहुत पसंद है। सो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जाती हूँ। तो आप अकेले जाते हैं, आपके परिवार वाले आपके साथ आते हैं या आपके दोस्त आपके साथ आते हैं? हाँ, दोस्तों के साथ भी जाते हैं और परिवार के साथ भी जाते हैं। तो आप आखिरी बार हिमालय गए थे, तो हिमालय में आप कहाँ गए थे? हिमालय में हम पिछली बार ऋषिकेश हरिद्वार गए थे। मुझे ऑल दिस रिवर मतलब नदियाँ, गंगा नदी, आश्रम, ये बहुत फैसिनेट करते हैं जनरली। आई एम इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। स्पिरिचुअलिटी, इंटरेस्टिंग। तो स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट क्या है एंड व्हाट इज योर इन्वॉल्वमेंट? मैं आई हियर थ्रू टेलीविजन्स और थ्रू सम बुक्स। आई हैव फेथ इन क्रिश्चियनिटी ऑल्सो। तो आप ये रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं? मुझे सब रिलीजन मतलब समान लगते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा विश्वास जीसस पर है। ये कैसे हुआ? आपने इसके बारे में कहीं पढ़ा था या किसी ने आपसे इसके बारे में बात किया? मेरा एक्सपीरियंस मुझे मतलब मेरे एक कोलीग ने क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया और फिर उसके बाद मेरा धीरे धीरे एक्सपीरियंस स्ट्रेंथेंड माय फेथ इन जीसस। सुषमा जी, तो आप हमारे बीच आए, हमारे साथ बात किया अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने हॉबीज के बारे में, अपने रिलीजियस बिलीफ के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स। जॉर्ज इब्राहिम बात कर रहे थे सुषमा अग्रवाल से। अरशद भाई, एक बात मानते हो तुम कि किस्मत हमें तलाश नहीं करती? बिल्कुल, और ये भी मानता हूँ कि हमें किस्मत को तलाश करना पड़ता है। लक का हमारी जिंदगी में यूं तो बड़ा अहम रोल है भाई। किसी ने कहा था ना कि अगर लक हमारे साथ ना हो तो अगर आप हलवा भी खा रहे हो ना तो आपके दांत टूट सकते हैं। सही है, बिल्कुल सही है भाई। जो इंसान हमेशा बैड लक से ही डरता है उसे गुड लक बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो लीजिए एक अच्छी खबर सुनाते हैं। यूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए अपग्रेडेड 50 रुपए वाले और 100 रुपए वाले नोट्स जो हैं वो जारी किए हैं। डिजाइन तो पुराना ही है यानी कि देखने में, लेकिन एक बात ये बताएं कि इन नए नोट्स का कुछ हिस्सा एनग्रेव्ड डिजाइन में होगा। वाह वाह, क्या बात कही आपने। यानी ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं वो उसे छू कर नोट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जी जी, और ये हिस्से जो है ना जो एनग्रेव्ड हैं जैसा आपने बताया, हाँ, वो है महात्मा गांधी की पोर्ट्रेट एंड द सील फॉर द अशोका पिलर एम्बलम। जी हाँ, अब रोशनी का कारवा में एक बार फिर सुषमा सेठ स्टूडियो में है आज का प्रोफाइल सेगमेंट लेकर। बार बार ये हमें उन लोगों से परिचित कराती हैं, ऐसे शख्सियतों से मिलवाती हैं जिनकी जिंदगियां
हिम्मत और जुर्रत की ऐसी मिसाल है जैसे अंधेरे रास्ते में कोई मशाल हो। तो लीजिए सुषमा से सुनिए के रामकृष्णा के बारे में, जो 10 साल की मासूम उम्र में दोनों आंखों की रोशनी खो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कामयाबी की मंजिलें पाई। कैसे, सुनिए। 7 जनवरी 1950 को जन्मे के रामकृष्णा बचपन से ही मोतियाबिंद के शिकार थे। 10 वर्ष की उम्र में आते आते उनकी आंखों की रोशनी चली गई, पर अपनी लगन और इच्छा शक्ति के दम पर के रामकृष्ण ने अपनी इस कमजोरी को घता बताकर शानदार सफलताएं पाई और कामयाब हुए। वे पढ़े लिखे अर्थशास्त्र व सांख्यिकी में मास्टर्स की डिग्री पाई। के रामकृष्ण विश्व के पहले ऐसे दृष्टिहीन हैं जिन्होंने अन्य सामान्य छात्रों की तरह बिना कोई आरक्षण लाभ लिए MBA परीक्षा दी और सामान्य प्रतियोगियों को टक्कर दी। जबरदस्त आत्मविश्वास स्वाभिमान के साथ रामकृष्णा ने करियर बनाया। वे कई संस्थाओं से जुड़े तथा सामाजिक कार्यों में भरपूर योगदान देते रहे। कंप्यूटर के शौकीन रामकृष्ण कई मैनेजमेंट व बैंकिंग संस्थाओं के विजिटिंग लेक्चरर रहे। दृढ़ निश्चयी रामकृष्ण कहा करते हैं कि हमेशा अपने आप से ऊपर उठिए और जब तक आप ऐसा सोचेंगे नहीं, आप खुद को ऊपर नहीं उठा पाएंगे। के रामकृष्णा के अमेजिंग करेज एंड ग्रिट के बारे में बताया फिल्म अभिनेत्री सुषमा सेठ ने। और आइए अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जहां हम आपके मसलों का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे एडवाइस सेक्शन में हमारे साथ हैं मिसेज मीरा कुमार, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मीरा जी, सबसे पहले जो सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि आपकी मिनिस्ट्री ने ऐसी कौन सी कॉन्क्रीट स्टेप्स ली हैं जिससे ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को मेन स्ट्रीम में शामिल किया जा सके। जहाँ तक दृष्टिहीन व्यक्तियों का प्रश्न उठता है, तो शुरू से ही हमारे यहाँ गाँव में, ग्रामीण अंचल में, जो सुदूर क्षेत्रों में हैं, वहाँ आंगनबाड़ी वर्कर्स जो हैं वो माताओं की देखरेख में ये निश्चित करते हैं, समझाते हैं कि क्या भोजन लेने से बच्चे को विकलांगता नहीं होगी। फिर जब बच्चे का जन्म होता है तब भी हम ये जो माताएं हैं उनको ये समझाना चाहते हैं कि अगर बच्चे में कोई भी विकलांगता है तो शुरू में ही अगर उसका इलाज हो जाए बहुत दफ़ा वो ठीक हो जाता है। उसके बाद ये हमारे यहाँ इस समय 122 DDRCs हैं, उनके माध्यम से हम ये भी देखते हैं कि क्या कैसे इस विकलांगता को इलाज के माध्यम से या सर्जरी के माध्यम से ठीक किया जाए। तो अभी हम एक नई नीति लाए हैं, सर्व शिक्षा अभियान। अब हम लोगों का प्रयास है कि गांव में जितने भी स्कूल हैं उनमें जो भी विकलांग बच्चे हैं, दृष्टिहीन हैं अथवा और मूक हैं, बधिर हैं, उनको उन स्कूलों में रखा जाए। और इस समय मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 17 लाख विकलांग बच्चों को स्कूल में एनरोल कराया गया है। इसके अलावा स्कूल में भी हमारी जो एडिप स्कीम है उसके अंतर्गत हम बहुत सी ऐसी वस्तुएं जो विकलांग जनों के जीवन को बेहतर बना सकती है हम उनको निशुल्क बांटते हैं। इसके अलावा अभी हमने ये पहले 11वीं के बाद ब्रेल दिया जाता था, अब हमने कहा है कि 9वीं कक्षा से ही ब्रेल जो है बच्चों को दिया जाए। और उसके अलावा कंप्यूटर में जो दृष्टिहीन बच्चे हैं उनके लिए जो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है 6,000 रुपये तक की सब्सिडी सरकार देती है उनको। इसमें जितने भी सरकारी जो इमारतें बन रही हैं हमने उनको, राज्य सरकारों को लिखा है, यहाँ जो मंत्रालय हैं उनको लिखा है कि उनमें बाधा रहित होनी चाहिए। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं अलग अलग राज्यों में सबको हमने
आर्थिक सहायता दी है कि वो वहाँ पर विकलांग जनों के लिए बैरियर फ्री से बनाएं, बाधा रहित बनाएं, कि इस दृष्टि से कि यहाँ जो अफसर हैं वो ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो वो खुद देखेंगे कि विकलांग जनों के लिए क्या बनाना चाहिए इमारत के अंदर, तो वो जब उनकी पोस्टिंग होगी और वो कार्यभार संभालेंगे अपने अलग अलग जगहों पर, तो उन्हें शुरू से ही जानकारी रहेगी कि बैरियर फ्री कैसे बनाई जाती है इमारत। जागरूकता लाने के लिए अभी 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस था, तो उसमें हर वर्ष हम राष्ट्रपति जी से, अपने महामहिम राष्ट्रपति जी से उनको पुरस्कृत करवाते हैं विभिन्न 12 श्रेणियों में अलग अलग जो विकलांग जन हैं। अच्छा ये बताइए कि आने वाले चंद सालों में आपके क्या प्लान हैं? अभी तक हमारे पास 6 नेशनल इंस्टीट्यूट थे जो कि विभिन्न प्रकार के जो विकलांगता है उनके बारे में कार्य कर रहे थे। और देखिए जो विकलांग जनों के लिए हम बच्चों के लिए स्कूल खोलते हैं या उनको प्रशिक्षण देना चाहते हैं या और दूसरी मदद करना चाहते हैं, कुछ नए अनुसंधान रिसर्च करके कुछ उनके लिए नया बनाना चाहते हैं, तो वो सब के लिए हमको लोगों को ट्रेन करना पड़ता, केयर गिवर्स को ट्रेन करना पड़ता है, टीचर्स को ट्रेन करना पड़ता है, और वैसे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो भी रिसर्च इसमें करें, इसके लिए भी उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ता है। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ये कर रहे हैं। इस वर्ष हम लोगों ने चेन्नई में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित किया है जो मल्टीपल डिसेबिलिटी जिनमें है उनको कैसे हम एम्पावर करेंगे, उनको कैसे सक्षम बनाएंगे, उस पर ये कार्य करेगा। तो ये हमारी अपेक्षा है कि अगले 2 सालों में इसमें काम शुरू हो जाए, अभी तो ये स्थापित हुआ है। तो ये तो नेशनल इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा हम बहुत सारे DDRCs खोलना चाहते हैं। इस वर्ष में हमने 28 नए सैंक्शन किए हैं और 122 पहले से चल रहे हैं। लेकिन मीरा जी, न्यू टेक्नोलॉजी को स्टूडेंट्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचाने के बारे में क्या तरीका अपनाया है आपने? जो भी टेक्नोलॉजी है, मैं समझती हूँ हमारे देश में वैज्ञानिकों की कमी नहीं है जो इस पर कार्य कर रहे हैं, तो हम तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी खुद ही बना रहे हैं, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमें बाहर से चाहिए तो उसके बारे में भी सोचा जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि विकलांग जनों के लिए, दृष्टिहीन जनों के लिए और विभिन्न तरह की जिनकी विकलांगता है उनको नई से नई चीज़ें हम दें, इस पर तो अवश्य कार्य होगा। ध्यान इस बात का हमें रहेगा कि हम अधिक चीज़ें अपने ही देश में बनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ वैज्ञानिकों की और श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों की कमी नहीं है। भारत सरकार की दूसरी मिनिस्ट्रीज के बारे में बताएंगे आप? उनकी क्या प्लान्स और पॉलिसीज और एक्टिविटीज में डिसेबल लोगों को शुमार कराने के लिए आपकी मिनिस्ट्री ने कोई कदम उठाए हैं? हम सबसे निरंतर संपर्क में रहते हैं। देखिए जो विकलांग जन है हम फाइनेंस मिनिस्ट्री से संपर्क में रहते हैं, तो हमारे आग्रह पर और संपर्क के कारण जो विकलांग जन हैं उनको इनकम टैक्स में छूट मिलती है, और जो उनके उपकरण हैं विकलांग जनों के लिए जो एड्स और अप्लायंसेस चाहिए उस पर जो टैक्स लगता है उसमें भी छूट मिलती है। हम रेल मंत्रालय से संपर्क में रहते हैं, वहाँ पर भी किराए में और उनको छूट मिलती है, सिविल एविएशन में भी उनको छूट मिलती है, और इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री से, स्वास्थ्य मंत्रालय से हम संपर्क में रहते हैं। उन्होंने बहुत कार्य किया है, बहुत तरह से विकलांगता को समाप्त कैसे किया जाए। उसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से भी हम लोग संपर्क में रहते हैं कि वो जो भी नई इमारतें बने उसमें ये ज़रूरी कर दें कि वो बैरियर फ्री हों, उसमें विकलांग जन बिना किसी दिक्कत के आ जा सकें।
तो सभी से हम लोग संपर्क में रहते हैं। देखिए, ये तो हम मानकर चलते हैं कि स्पोर्ट्स यानी व्यायाम हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, तो क्या आपकी मिनिस्ट्री इन्हें सपोर्ट करती है, गेम्स को इनकरेज करती है? अगर हाँ तो जरा रोशनी डालिए प्लीज आने वाले प्लान्स पर। मैं समझती हूँ बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास आवश्यक है, और अधिकांशतः जो विकलांगता है वो शारीरिक होती है, तो विकलांग जन अपने को महसूस करते हैं कि हम खेल कूद में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। स्पोर्ट्स को लेकर के हम जो स्पोर्ट्स मंत्रालय है, खेल कूद मंत्रालय है, उससे भी संपर्क में हैं, और अवश्य आयोजित किया जाएगा, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। अगर आप दृष्टिहीनता के बारे में हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई खास जानकारी हमें देना चाहते हैं तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। अर्शद, रोशनी का कारवां एक जगमगाता प्रोग्राम है ना? बल्कि मैं तो कहूंगी ये इंद्रधनुष जैसा प्रोग्राम है भाई। रंग बिरंगी न्यूज, व्यूज, एडवाइस और तरह तरह की चीजें हम इसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं कि आपको बहुत सा फायदा भी हो और आपका दिल भी लगे। और समटाइम्स वी ऑल्सो हैव वंडरफुल क्रिएटिव इनपुट्स। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने प्रोग्राम में आपको गाने सुनवाए हैं, वाद्य संगीत सुनवाया है, बच्चों की बातें सुनवाई हैं जो कि ज्यादातर हमारे ब्लाइंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स ने दी हैं, और इन्हीं में से प्रदीप कुमार गंगवार लखनऊ के भी हैं, जिनकी पहले भी हम एक कविता सुना चुके थे, लेकिन आज अर्शद आपको इनकी एक और कविता सुनाने जा रहे हैं, तो लीजिए जरा गौर से सुनिए। लेकर कलम किताब हाथ में कॉलेज पढ़ने जाते हैं, मिल जाएं दो चार यार अगर तो पिक्चर को मुड़ जाते हैं, खड़े हुए चौराहों पर फिर सिगरेट हम जलाते हैं, हैं सुपुत्र संपन्न पिता के ये सबको दर्शाते हैं, आयोजित हो मैच कहीं तो बड़े चाव से जाते हैं, मगर हारता देख राष्ट्र को शोक से हम पछताते हैं। लेकर 25 लाख खिलाड़ी स्वयं आउट हो जाते हैं, करते हैं अपमान बैट का वापस पवेलियन जाते हैं, होते हैं जब कभी इलेक्शन नेताजी घर आते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगते झूठी बात बताते हैं, बहुत करेंगे काम आपका ये हमसे कह जाते हैं, हो प्रसन्न उनकी लीला पर हम वोट डालने जाते हैं। वाह, क्या कविता थी प्रदीप कुमार गंगवार की लखनऊ से। और हम आपको याद दिला दें कि आपकी सभी रचनाएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, भेजते रहिए। और लीजिए अब सुनिए हमारे एपिसोड 2 का सवाल और उसका सही जवाब। सवाल था, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, ये गाना किस ब्लाइंड कंपोजर ने बनाया था? और इसका जवाब जाहिर सी बात है रविंद्र जैन। और इनाम पाने वाली हैं सुनीला साठे पुणे से। बहुत बहुत मुबारक हो सुनीला जी। चलते चलते हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए। किस फिल्म में शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह ने काम किया है? और ये वो फिल्म है जिसमें नसीरुद्दीन शाह एक ब्लाइंड मैन की भूमिका अदा कर रहे थे। इस फिल्म का नाम बताइए और इनाम ले जाइए। ये है हमारा एड्रेस, आईवे रेडियो कॉन्टेस्ट, स्कोर फाउंडेशन, पीओ बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। 15 दिनों के अंदर अंदर तक हमें आपका जवाब मिल जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं सही उत्तर के आधार पर हम उनका लकी ड्रॉ निकालेंगे और 5 लकी विजेताओं को मिलेगा एक स्पेशल आईवे टी शर्ट। बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है, वह हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हों, मेडिकल हों, अधिकारों से संबंधित रखती हों, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iwayeyewaye.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है आईवे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, पीओ बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। और फिलहाल इजाजत दीजिए मुझे सलीमा रजा को और अर्शद इकबाल को। खुदा हाफिज। आईवे, ये है रोशनी का कारवां। Roshni, 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 Roshni.
कारवां।